गुजरात के सूरत जिले में बजरंगियों ने मस्जिद में घुसकर रुकवाई नमाज, मस्जिद के बाहर की नारेबाजी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। किस तरह से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, अब नफरत की ये लपटें बड़ी तेज होती जा रही है। किस तरह से तेज होती जा रही है उसकी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से देश के प्रधान सेवक और गृह मंत्री दोनों ही हैं, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके गुजरात से सूरत जिले में मोरा गांव में 21 जनवरी को यहां पर एक मस्जिद में कुछ बजरंगी घुस आए और नमाज पढ़ने से नमाजियों को रोक दिया। कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए इन बजरंगियों ने यहां पर नमाज का विरोध किया। किस तरीके से पहले विरोध किया गया और फिर मस्जिद के बाहर कैसे नारेबाजी की गई है, वो तमाम घटनाक्रम वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही कैसे यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों को, स्थानीय मुस्लिमों को हड़का रहे, धमका रहे, क्यों नमाज पढ़ रहे हो, कोविड गाइडलाइन है, नमाज पढ़ना मना है, इस तरीके की, जबकि प्रशासन की तरफ से इस तरह के कोई आदेश निर्देश नहीं है, उसके बावजूद ये बजरंग दल के लोग यहां पर मनमानी कर रहे हैं। सबसे अहम बात, गुरुग्राम के बाद नमाज का विरोध अब धीरे धीरे एक पसंदीदा काम बनते जा रहा है अति हिंदुत्ववादियों का। ये सिलसिला अब सूरत के मोरा गांव में पहुंचा हुआ है। किस तरीके से यहां विरोध किया जा रहा है, काशी वर्सलान के कुछ ट्वीट है इस संबंध में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 21 जनवरी को ही ये ट्वीट किए गए, एक के बाद एक हम आपको दिखाएंगे कि ये ट्वीट जो है क्या बता रहे हैं। तो किस तरह की फिजा, सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमारी सरकार में एक भी जातीय हिंसा का मामला नहीं हुआ, ये दावे करने के लिए और कहने के लिए बड़े सहज और सुलभ लगते हैं, मगर जमीनी सच्चाई क्या है? तो जमीनी सच्चाई यह है जो गुरुग्राम में हो रहा है, जमीनी सच्चाई यह है जो सूरत जिले के मोरा गांव में हो रहा है। तो कहां तक बढ़ाई जाएगी ये नफरत, और अब समूचे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचना होगा कि इस नफरत के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। मेरा खुद का मकान है और बाबू खाटिए से हम लोग मिल करके, कुछ आदमी हम लोग मिल करके खरीदी किया था और नमाज पढ़ा, बस यही बात है और क्या है। कितने टाइम से पढ़ रहे हो यहाँ पर साहब, मैं आपको बताऊँ कितने टाइम से पढ़ रहे हो, वो बोलो दूसरा कुछ नहीं सुनना। तो पहले भी पढ़ रहा था, लॉकडाउन से पहले कितने दिन, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं अभी? अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अभी मैं इसीलिए मना कर दिया हूँ लोगों को। तो अभी क्यों आते हैं यहाँ पर? देखिए आप बोल दीजिए तो मैं मना कर देगा ना। कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर? 15-20 आदमी तो आता ही है। 15-20 आदमी आगे, एक हफ्ते पहले यहाँ पर एक फोटो खींचा था, उसके अंदर 100 के ऊपर लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे, पूरा यहाँ पर झमेला खड़ा हुआ। अभी आज का डेट बोल रहा हूँ, आज का डेट में बोल रहा हूँ। अभी 15-20 है, कितने बजे हैं? रुको, अभी कितने बजे हैं आप जाके देखिए। अभी ये 12:30 बजे है, उसके हिसाब से भी 15-20 लोग हैं, ठीक है। एक बजे के बाद कितने यहाँ पर मतलब इकट्ठा हुआ? आज हम लोग पहले सोचा कि नमाज पढ़ के निकल के अभी लॉकडाउन का सेट। आपको बताया कि अभी कोरोना चल रहा है, 144 लागू है, तो फिर 4 से ज्यादा यहाँ पर अभी हमको उतना कुछ करें, आप बोलते बंद कर दिए। नहीं पता है जी, तभी तो हम तो कम कर दिया ना आदमी को, तभी हम कम कर दिया आदमी को। आगे भी तुम कहाँ रहते हैं? हम तपोवन सोसाइटी में रहते हैं। तपोवन सोसाइटी में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, यहाँ पर नमाज पढ़ना ही है तो अपने घर में पढ़ो, इधर सब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने। शुक्रवार को दिन हम शुक्रवार मंगलवार को ही मंगलवार नीचे बराबर नीचे मस्जिद से आगे जो नीचे।